गुरु दीन दयाल है निर्धारण आधार। मेरे नाम पड़ी मदधार में कर भव सिंधु तेरे पर। सजन धन घड़ी इस दिवस को जो छाई ऋतु बसंती। एक श्री बना दास महाराज को तुम करता नमन। सरवर सरवर संत जन चौथा वर्ष में परमार्थ के कारण तो चारू धरियो दे। अपनर बली किसी की ना कर सके तो बुरी करण मत जाई। बाया पेट बबूल का ऐ मनुष्य आम कहां ते खा। बोले शंकर भगवान की। आदरणीय महान सज्जनों, हमारे इस सत्संग की महिमा को बहुत बड़ी बताई है कवि लोगों ने, संत महात्मा लोगों ने। जहां पर भगवान का भजन होता है वहां पर सभी प्रकार के विकार दूर हो जाते हैं। और इंसान ये बताया है शास्त्रों में कवि महर्षियों ने, अगर न कुछ साथ में लेके आया न कुछ साथ में लेकर के गया है, बिल्कुल बंद मुट्ठी आया खुली मुट्ठी गया है। इसलिए उस भगवान के परम पिता परमात्मा के भजन कर ताकि तेरी मोक्ष और संसार से तेरी नया पार हो। और तू या समझे इंसान, अब मेरा इतना सुंदर शरीर है, मेरे पास इतना पैसा है, इतना धन है, नहीं नहीं ये किसी का भी नहीं चला है। बड़े बड़े बलवान खप गए संसार में लेकिन किसी का व्यथा पता नहीं पाया। इसलिए इस काया रूपी भजन बताया है। माया और काया का कभी घमंड नहीं होना चाहिए इंसान को बताया। अरे मत करे रे गर्भ गुमानी, यो गुलाबी रंग उड़ जा को काया को। Thank you.
नंबर कौन सा? बुढ़ापा। बुढ़ापा भी कौन सो कि आदमी का हाथ पैर शिथिल पड़ेगा, उठो बन जाए खाट लिप पड़गो और खसखस करे खेकार गेरे। और जब बेटा पोता ने आपकी घराड़ी ने भी आखे दे अगर देखा तो मुने तंबाकू को पान और एक आंच की पतंगी ला दे तो मैं बैठे बैठे गुखो पी लू खेगी अवस्था में अकीकर को जिंदा सीधो चला वो जिंदा नहीं भूल जाए भाई माता ठावाए। और जब वो भाई माता ठावाड़ो दिन आ जाए पांच भाई के कंधे साल पड़े जिंदा ने फिर वहां भी आखेगी वो मेरा साहिबा बहुत अच्छे से छोड़ कर जा रहे थे। क्योंकि इंसान स्वार्थ का बढ़िया पड़ा है, आदमी दुखी कोई भी नहीं है, भगवान के घर से दुखी होता अपने स्वार्थ के पीछे। इसलिए कहा है लग्या भंडारा कहीं नहीं है पर स
ऐसा सदा भगवन श्रीमती आ गया सुई दादा कहीं नहीं और तू सबका अवसर है कि सब रहे तेरा अवसर कोई नहीं रे धरमी दास